गुड मॉर्निंग सर। तो आज पर्सन कृष्ण की अगली टॉपिक मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण दोहरा का मतलब दो बार रक्त का जो हृदय में आना, एक बार आना फिर उसके बाद जाना। इसी प्रोसेस को हम सर्कुलेटरी सिस्टम या दोहरा रक्त परिसंचरण करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर ये जो है फेफड़े को प्रदर्शित करता है, फुफ्फुस को प्रदर्शित करता है। अब फेफड़े के अंदर जो है तमाम कोशिकाएं होती हैं, अपन भी उत्तक होता है, इसमें हवा भरी होती है, हवा के साथ ऑक्सीजन होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फेफड़े में ऑक्सीजन जाएगी, हवा जाएगा तो ये जो है ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन बदल जाएगा। तो ये जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है फुफ्फुस महाधमनी, फुफ्फुस मतलब जो फेफड़े से जो महाधमनी निकलती है उसे फुफ्फुस महाधमनी कहते हैं। तो ये जो है नहीं फुफ्फुस महाशिरा यहाँ पर है। तो शिरा पिछले वीडियो में बताया था धमनी और शिरा में क्या डिफरेंस होता है। धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, मेन डिफरेंस है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो है फुफ्फुस महाशिरा में अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त आता है, क्योंकि यहाँ से जो है ऑक्सीजन इसके इस रक्त के साथ मिल जाती है। हम मिलने के बाद जो ऑक्सीजन युक्त हो जाती है, अशुद्ध रक्त जो है होकर के जो है बाएं कलंद में आता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। फिर उसके बाद जो है बाएं लिंग में आने के बाद लेफ्ट एक्सिस में आने के बाद अलिंद निलय कपाट द्वारा निलय में आता है, जिसे वेंट्रिकल कहें, लेफ्ट ऑफ वेंट्रिकल बाएं वेंट्रिकल में आता है और बाएं निलय में आने के बाद ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरी बॉडी में जो है शरीर की महाधमनियों द्वारा पंप किया जाता है, महाधमनी द्वारा पंप किया जाता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। जैसा आप देख रहे हैं इधर से जो है बाएं निलय से रक्त किसमें आ रहा है, शरीर के विभिन्न भागों में। जैसे शरीर के विभिन्न भाग जैसे मस्तिष्क हो गया, दोनों बाहें हो गई, हो गया उधर हो गया, पैर हो गए, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करने का काम कौन करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल अर्थात इसे हिंदी में क्या कहें बाया निलय, इसमें रक्त आ गया ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो यहाँ ऑक्सीजन यूज कर ली जाएगी तो वो जो क्या बचेगा वहां पर ऑक्सीजन यूज हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को लर्ज करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा और हीमोग्लोबिन जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है शरीर से विभिन्न भागों से रक्त को इकट्ठा करते हैं, रक्त को इकट्ठा करते हैं महाशिराओं द्वारा जो है यहाँ पर थोड़ा सा फिगर ही गलत दिया है, यहाँ पर इसके साथ ही होगा। ये जो है इसमें आएगा रक्त किसमें आता है इसमें नहीं थे अशुद्ध रक्त इसमें इकट्ठा होगा फिर उसके बाद यहां से आप देखेंगे अशुद्ध रक्त जो है विलय द्वारा जो है शुद्धिकरण के लिए इसमें भेजा जाता है। ये जो पूरी बॉडी का अशुद्ध रक्त जो है शरीर की महाशिरा द्वारा किसमें पहुंचा दाहिने अलिंद में, दाहिने अलिंद में पहुंच गया रक्त पूरा इस तरह से संकेत करते हुए जिसको पहुंच गया। आखिर उसके बाद ये अलिंद निलय कपाट द्वारा
लेकिन कपाट द्वारा जो है दाहिने अलग से दाएं हृदय में आता है। फिर उसके बाद जो है फुफ्फुस महाधमनी द्वारा फुफ्फुस महाधमनी द्वारा अशुद्ध रक्त किसमें पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचता है शुद्धिकरण। इस तरह से आप देखें कि हृदय में रक्त जो है दो बार आता है, एक बार जो है शुद्ध रक्त यहाँ से यहाँ पर आया, फिर शुद्ध रक्त को जो है यहाँ से बॉडी में पंप किया गया, और फिर यह शुद्ध रक्त को हृदय इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद जो है पुनः जो है फेफड़े को भेजता है शुद्धिकरण के लिए। तो दोहरा रक्त हो गया ना, एक बार अशुद्ध रक्त जो है बॉडी से कलेक्ट होकर के जो है किसमें आया, दाहिने अलिंद में। दाहिने अलिंद से अलिंद हृदय कपाट द्वारा जो है निलय में आया। निलय में आने के बाद जो है निलय जो है अशुद्ध रक्त को जो है फुफ्फुस महाधमनी द्वारा फेफड़े में भेज दिया। एक बार हो गया, फिर दूसरी बार जो है आपको पूरे हृदय में एक बार जो कलेक्ट हो रहा है, कलेक्ट होने के बाद संग्रहित होने के बाद शुद्धिकरण के लिए भेजा जा रहा है। भेजने के बाद जो है पुनः फिर आ जा रहा है यहाँ पर हृदय, दो बार हो गया। इसलिए इसे हम द्वारा रक्त संचरण तंत्र कहते हैं। इस फिगर को आपने अपने नोटबुक में बनाएंगे और जो है किताब की सहायता से नोट बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।